हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Q&A, मतलब आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर। तो गाइस, ये वीडियो यार कब से आ रहा था और आज आई गया फाइनली। तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को और आज का Q&A शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे ऑन हो चुकी है मेंबरशिप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी मेंबरशिप, तो सपोर्ट कर सकते हो अपने चैनल को। तो स्टार्टिंग से मिनी भरोसा आर्मी एंड लैंडिंग में है मिनी भरोसा गैंग, तो आपको जो पसंद आए वो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हो। तो वैसे चालू करते Q&A के साथ, और पहला क्वेश्चन क्या आता है आपको कि भाई आप अपना फेस ऑयल कब करोगे। और मंजुला झाकी ने पूछा है कि आपकी एज कितनी है, तो मैं आपको बता दूं मेरी एज 18+, यानी कि समझ लो 19 का मैं हूँ। एंड फेस रिवील मैं कब करने वाला हूँ, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक बता देता हूँ, फेस रिवील मैं करने वाला हूँ 10K पे, वो भी सोशल मीडिया साइट पे। तो आप समझ सकते हो मैं सोशल मीडिया साइट पे करने वाला हूँ फेस रिवील, एंड 10K पे वो भी। एंड मेरी एज आपको बता दी ऑलमोस्ट मैं 19 ईयर्स का हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। तो गाइस, रवि पटेल ने पूछा है कि भाई आप मिथिक एक्स और हैरी से कैसे मिले, और मैं आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ एंड उसी से मैं देख के आग शुरू की है, तो उससे भाई वो बहुत बहुत थैंक यू। एंड मिथिक एक्स से मैं कैसे मिला, मिथिक एक्स से मैं राहुल भाई के सर्वर में मिला था, गेमिंग विद राहुल के सर्वर में उससे मिला था। एंड हैरी मेरे को मिथिक एक्स से मिला, तो ऐसे कुछ हम डिस्कॉर्ड में मिले। पूरी स्टोरी मैं बाद में स्पेशल Q&A में बताऊंगा आराम से बैठ के, अभी के लिए इतना ही समझ लो। एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है ब्रॉल द स्टार नहीं, तो चलो उसको भी एंजॉय करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने क्या वाला है। तो गाइस, नेक्स्ट जो सवाल है कि यार हार्दिक भाई पूछ रहे कि मैं यार हमेशा नाम सजेस्ट करता हूँ डायनोज के लिए, आज हम तीनों को, लेकिन हम तीनों में से एक भी नहीं रखता। हार्दिक भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी टीम बोलूंगा उसका नाम आप सजेस्ट कर देना, वही नाम मैं रखने वाला हूँ। और मिथिक एक्स से भी बोलूंगा कि भाई रखने के लिए, तो आप खुश हो जाना, आप खुश मतलब मैं भी खुश हूँ। चलो अभी ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। मैं पे CID का कुछ ऐसा कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर देने बनते हैं क्योंकि ये है Q&A, मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब। बहुत लंबी होने वाली वीडियो, थोड़ी सी लंबी होने वाली, एंड स्पेशल Q&A होने वाला है गाइस 10K पर, याद रखना स्पेशल Q&A। और अभी से बहुत सारे ढेर सारे गिवअवेज आने वाले, तो चैनल पे से कहीं मत जाना, और अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना कर दो, 6.1K के हम बहुत ज़्यादा क्लोज है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा है, उसका जवाब देते हैं यार। तो गाइज, ड्रैगन राइडर पूछ रहे कि भाई योर फेवरेट आर्क यूट्यूबर, इंडियन पीसी से मेरा है रियुक, बहुत अच्छा खेलता है वो, फॉरेन पीसी से मिस्टर मियोला, वो भी ऑसम वीडियोस बनाता है, एंड इंडियन मोबाइल में तो अपनी भरोसा गैंग इज ऑलवेज ओपी, एंड फॉरेनर मोबाइल में से मेरे को पसंद है कैम्स भाई, एकदम ओपी वीडियो बनाते हैं अपने। चलो अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और क्या हुआ मैं अभी पेटी बन चुकी है यहाँ पे मेरे ऑलवेज। तो गाइज, नेक्स्ट सवाल पूछा है भाई गेमिंग विद टेक्निकल ने, भाई आपकी मोटिवेशन कौन है यूट्यूब पे आने के लिए। देखो मैं आपको बोल दूँ, यूट्यूब पे आने की कोई मेरी मोटिवेशन नहीं है, मतलब कोई किसी को देख के मैंने यूट्यूब शुरू नहीं किया है। हाँ, लेकिन आर्क की गेम प्ले जरूर देखें, उसकी तरह करने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब पे मैं पहले सा था, मैं 3 साल से था, एंड उसका कोई मेरे को मोटिवेशन नहीं कि भाई इस वजह से मैं आया है। तो भाई चलो अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो इस नेक्स्ट सवाल आया है ओपी गेमिंग, देखते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग इन योर होम। तो मैं यार देखो ये मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, लेकिन मैं गुजरात में भी शिफ्ट हुआ हूँ, एंड मैं घर पे बोलता हूँ मराठी बोलता हूँ गुजराती बोलता हूँ, एंड हिंदी कभी कभी एकदम रेयरली चांस हुआ तो बोलता हूँ। मैं 3 लैंग्वेज घर में बोलता हूँ, इंग्लिश तो कभी घर में मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि क्या कर सकते, घर में कौन इंग्लिश बोलेगा भाई, मेरे को मार डालेंगे घर वाले, बोलेंगे भाई चुपचाप भाई अपनी अपनी भाषा बात करना, इंग्लिश में काई को सीन ठोकरा है ऐसे बोलेंगे मेरे को। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट सवाल आता है भाई गेमिंग विद डार्क, आपका सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा है इन योर कॉलेज और स्कूल लाइफ। देखो सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वो है जब क्रिसमस आती हो, क्रिसमस के टाइम में जो सेंटा बाबा बनता है उसको हम जो इतना धोते हैं ना कुत्ते की तरह, वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। मतलब वैसा कोई मोमेंट आया नहीं जिंदगी में अब तक, मतलब जितनी बार कोई बना ना उसको हमने इतनी बार धोया ना, और अपने पे जब आती तो कोई नहीं बोलता कि मैं सेंटा क्लॉज़ बनाऊँ, क्योंकि उसको पता है कि वो धुलने वाला है, वही सबसे बेस्ट मोमेंट था स्कूल लाइफ में। अभी कॉलेज का तो सीन पता नहीं, भी कोरोना से कब से घर में बैठे पड़े, क्या ही कर सकते कॉलेज की लाइफ भाई। चलो अभी देखते नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, कैसा है भाई, अच्छे से पूछना भाई सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है भाई परमार यश की तरफ से, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। देखो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है डायनेमो गेमिंग, क्योंकि जब मेरे हाथ में मोबाइल आया था, जब मेरे हाथ में नेट आया था, और जब मैं यूट्यूब चालू किया था, तब मैंने एक ही जन को कब से कंटिन्यू देखता है वो है डायनेमो गेमिंग। जब उसके कुछ 100K या फिर 50K सब्सक्राइबर थे तब से मैं उसको देखता रहा, तो वही मेरा फेवरेट यूट्यूबर अभी तक है। एंड बाकी मामले में देखा जाए तो बाकी बहुत सारे, लेकिन फेवरेट तो वही यूट्यूबर है मेरा, तो वो एकदम ओपी खेलता है भाई, एकदम झकास, बट जैसे हेडशॉट पड़ता था भाई एनिमी डाउन हो जाता है, आराम से हो जाएगा ना।
चलो अभी नेक्स्ट सवाल पूछते भाई, देखते कौन सा होने वाला है भाई। पूछते क्या है, वही पूछ रहे, पूछ के तो तुमने भाई पूछ दिए मेरे को भाई। नेक्स्ट सवाल है, दो क्वेश्चन है आइस फियोनिक्स की तरफ से। पांच आर्क के डायनोस बताओ रिप यूट्यूबर्स की तरफ से। व्हाट इज योर एज एंड यू आर मैरिड और सिंगल? भाई साहब देखो मेरी एज मैंने बता दी ऑलरेडी, मैं मैरिड नहीं हूँ भाई और मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। और भाई साहब पांच आर्क के डायनोस फेवरेट देखो, पहला मेरा लिख लो ग्रिफिन, दूसरा मेरा लिख लो अर्जेंटाइस, तीसरा मेरा निकलो नॉक्टिस क्योंकि वो ओपी है, एंड चौथा मेरा निकलो मोसासोर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और पांचवा भाई एकदम खतरनाक सा डायनो है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, वो है डायरुल्फ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है डायरुल्फ। चलो ये सवाल के जवाब मैंने दे दिए, एंड चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते भाई कौन से सवाल पूछे गए अपने से। तो भाई नेक्स्ट सवाल है क्रॉन की तरफ से, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में कल के लिए कौन सा यूज एपीके करते हो? एंड देव कबल गोस्वामी ने पूछा है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, डायनेमो गेमिंग है भाई, डायनेमो गेमिंग ये मेरा पहला नाम था वैसे, डायनेमो गेमिंग था ना जो डीएनएमओ गेमिंग, देखो नाम खराब नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच में जब मैंने पबजी चालू किया था स्टार्टिंग में तो मेरा डायनेमो गेमिंग नाम था उसको, मैं तब आत्मे को नाम भी नहीं आता था। एंड सवाल पूछा गया क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? देखो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ काइन मास्टर जो कि एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा उसका नाम ही वैसा है, काइन मास्टर एक्स्ट्रा वो करता हूँ एडिटिंग में यूज़, तो उसी से मेरी सारी वीडियोस में एडिट करता हूँ, डालता हूँ अपने यूट्यूब पे। तो चलो इसका भी जवाब मैंने दे दिया, ले चलते आगे के क्वेश्चन की तरफ, और मैं जीत चुके हैं हम यहाँ पे, टीम विक्ट्री होते हैं। चलो यार क्या ही कर सकते हैं, अपना सर झोपी है भाई। सो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है भाई कृष्णा सकलानी ने, तो क्या आपको भूत दिखे हैं? भाई देखो 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 मेरे को भूत तो अभी तक नहीं दिखे, ना ही मैं उनसे डरता हूँ, ठीक है ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं उसे डरता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ लेकिन मेरे को भूत दिखने भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस दुनिया से काफ़ी अलग रहना चाहता हूँ भाई, वो दुनिया कहीं और जाके रहे और मैं दुनिया कहीं और जाके रहूँ, तो रहने दो भाई, भूत तो मैं कभी देखे नहीं एंड उसे डर लगता है कि नहीं, तब मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, अंदर से फट जाती है इंसान की भाई तुमको, चलो अभी क्या कर सकते। नेक्स्ट सवाल है ये विष्णु गेमर की तरफ से, विच मोबाइल यूजिंग? मैं अभी फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसकी लिंक नहीं स्पेक्स। और डायनेमिक गेमिंग ने पूछा है अगर आपका वाला ओके तो देखो अगर मेरे साथ ये सेम चीज़ होती गई ना कि भाई जब भी मेरा मैं बेस्ट वर्ल्ड में जाने की ट्राई करूँ गेम बार बार क्रैश हो जाए ना, तब मैं एक ही चीज़ करूँगा, मेरा मोबाइल उठा के फोड़ दूंगा क्योंकि इतना इरिटेट, अगर देखो 1000 ट्राई के बाद भी अगर वो सीन नहीं हुआ क्लियर, मैं आर्क को छोड़ दूंगा क्योंकि इतना बेस्ट वर्ल्ड अगर मेरा होता तो भाई मैं पगला जाता सच में, मैं वो छोड़ देता आर्क, ठीक है। तो चलो काफ़ी अच्छा सवाल था भाई ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है विष्णु गेमर की तरफ से, फेवरेट डायनो? आर्क का मेरा सबसे फेवरेट डायनो ग्रिफिन है, तो चलो मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रिफिन सबसे मेरा बेस्ट डायनो है, बेस्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लकी गेमिंग की तरफ से, व्हाट इज योर अर्निंग? भाई व्हाट इज़ योर अर्निंग? तो देखो ये अर्निंग तो अभी इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली अर्निंग तो हो नहीं रही है लेकिन उतनी समझ लो, बता तो नहीं सकता लेकिन उतनी समझ लो कि ज़्यादा कुछ नहीं ले सकता मैं, मेरे लिए एक गेमिंग चेयर वगैरह ले सकता हूँ उतनी एक अर्निंग है मेरे पास, गेमिंग चेयर भी नहीं समझ लो, एक अच्छा सा माइक या फिर अच्छी सी कोई भी हेडफोन ले सकता हूँ उतनी मेरी अर्निंग है, ज़्यादा नहीं है भाई, इतना खतरनाक मेरी अर्निंग होती भी नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल ये है परमा रियश की तरफ से, आपका रियल नेम? देखो जिन लोगों को नहीं पता मेरा रियल नेम क्या है, तो मेरा निकनेम वाइपर है और रियल नेम विनोद है, तो आपको नहीं पता तो जान लो, और कोई कोई मेरे को बंदा ओम कह के बुलाता है तो भाई देखो मैं ओम नहीं हूँ, जो मिथिक एक्स है ना वो ओम है एंड मैं विनोद हूँ, तो वो याद रखना ठीक है, ध्यान से याद रखना, नहीं तो बोलोगे भाई ओम भाई, वो मेरे को काफ़ी बंदे बोलते हैं भाई ओम भाई आप ये करते हो, मैं बोला ओम मैं नहीं हूँ यार, मतलब कतई मतलब मेरे को ओम बना दिया आपने यार। सवाल है अपने पास ये कि चूरन की तरफ से, अपना आर्क कैसे स्टार्ट की? मैंने आर्क स्टार्ट ऐसे ही कर दी, मतलब मन हो गया मेरा आर्क के चलो मैं भी आर्क मोबाइल की वीडियो देखूं, दरअसल मैं आर्क पीसी की वीडियो देखता था और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्क मोबाइल शुरू करता हूँ, तो ऐसे मैंने आर्क मोबाइल शुरू किया, पहला एपिसोड जाके देख लेना कैसा है मेरा आर्क का पहला एपिसोड। नेक्स्ट सवाल ये है कि गोपाल कुमार की तरफ से, तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम्हारी यूट्यूब चैनल है कि तुम क्या करते हो? हाँ मेरी फैमिली को पता है कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा कुछ पता नहीं कि डेली वीडियो डालता हूँ, उतना पता सिर्फ वीडियो डालता हूँ उतना ही पता है सिर्फ, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं यार। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि ये ड्रैगन गेमिंग ने ओम भाई ये बताओ कि तुम नौ सौ से? भाई मैं ओम नहीं हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ मैं वाइपर हूँ, विनोद मेरे को विनोद बुलाओ या वाइपर बुलाओ, ओम मिथिक एक्स तो आपको पता होगा। भाई नेक्स्ट सवाल ये है कि संगीत लता ने बताया मेरे को कि भाई आप प्रोफेस रिवील कब करोगे और आप गेमिंग पीसी कब खरीदोगे? भाई भाई लव योर वीडियोज़, भगवान करे कि आपके 100 के सबसे जल्दी हो जाए भाई, थैंक यू उसके लिए। एंड मैं गेमिंग पीसी में कब लेने वाला हूँ और मेरा फेस रिवील कब हो जाना, मैं जो बता दिया था ऑलरेडी 10 के पे मैं मेरा फेस रिवील करने वाला हूँ, और गेमिंग पीसी में कब लेने वाला हूँ, गेमिंग पीसी में तब लेने वाला हूँ जब आप मेरे करवाओगे 10 के
उसके बाद में एक गेमिंग पीसी का सोचने वाला हूँ कि मैं गेमिंग पीसी ले लूँ, आपको अलग कंटेंट अलग कुछ चीज़ें और पीसी भी खेल सकूँ उसमें, तो तभी मैं गेमिंग पीसी लेने वाला हूँ। उसके बाद ही सोचूंगा मैं उसको अपग्रेड करने का, लेकिन उससे पहले मैं इसी मोबाइल से अपन ग्रो करेंगे एंड आर्क मोबाइल को हम बीट करने वाले जल्दी से जल्दी। और गाइस नेक्स्ट सवाल ये है कि हिडन गोस्ट गेमिंग से आपको कैसा लग रहा है आपके 6K होने पर? तो देखो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे 6K हो चुके हैं ना, आई होप कि जल्दी 10K भी हो। तो देखो एक कोई भी यूट्यूबर का आप गोल कंप्लीट करो तो दोस्तों एक दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन वही चीज़ होती है कि हाँ अभी 6K तो होगा, अभी 7K कब होंगे। तो देखो फीलिंग सेम ही होती है, सिर्फ जो अपने पब्लिक हो जाती है ना इंक्रीज़, वो एक अलग सीन होता है और अपनी जो खुशी तो उतनी रहती है। हाँ अगर 1 मिलियन की बात करते हो वो एक अलग ही मजा है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट सवाल पूछा है मनीष मात्रे ने, तो आई होप मैंने नाम सही लिया होगा। कैन यू किल अल्फा मोसा इन सोलो टेक इट अ चैलेंज? ओके, तो देखो अगर मेरे को अल्फा मोसा मिलता है ना तो ज़रूर मैं चैनल एक्सेप्ट करने वाला हूँ। मेरी इंग्लिश को क्या हो रहा है, तो यार अगर अल्फा मोसा मेरे को मिले तो, लेकिन क्या है ना मेरा सीन ऐसा है कि मेरा अल्फा मोसा कभी मिलता ही नहीं भाई, अभी तक मेरे को सिर्फ एक अल्फा मोसा मिला है एंड वो भी डिस्पॉन हो गया था, तो भाई क्या ही कर सकते यार। तो अगर मिलता है तो चैनल एक्सेप्ट आराम से मैं कर लूँगा। तो गाइस नेक्स्ट सवाल आ रहा है ये कि नैतिक प्रधान से, तो व्हाट थिंग यू मोस्ट लाइक ऑन YT? तो देखो मेरे को यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, यूट्यूब में वो सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि गाने सुनना। तो मेरे को देखो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा गाने सुनना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, इसमें वीडियो सॉन्ग्स भी होते, तो यार उस वही मैं आजकल करते रहता हूँ और कुछ ज़्यादा करता हूँ नहीं, तो वही मेरे को ज़्यादा मोस्ट ऑफ ज़्यादा वही पसंद है मेरे को। तो भाई नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि DKL99 ने पूछा है कि ब्रो आप पढ़ाई कर रहे हो या छोड़ दी? तो मैं आपको बताता हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं डिप्लोमा में हूँ सेकेंड ईयर में, मैं अभी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन देखो ऑनलाइन क्लासेस से इतना कुछ खास नहीं होता है जितना मैं क्लास में जाके पढ़ते, तो आपको भी पता होगा, उतना आपको भी पता चल गया होगा। तो मैं भी अभी कर रहा हूँ जितना हो सके मेरी तरफ से ऑनलाइन, मैं अभी डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में हूँ, आई होप मैं क्लियर कर लूँ सारा का सारा। तो चलो ठीक है देखते हैं मित्र, पढ़ तो रहा हूँ लेकिन देखो छोड़ नहीं दी पढ़ाई, मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ नहीं दी मैंने, ठीक है। एंड भाई साहब नेक्स्ट सवाल MD समीर ने पूछा है वेर इज़ भाभी? अभी देखो ये सवाल क्यों पूछा इसने मुझको नहीं पता, ऐसे बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैं सारे के सारे इसी Q&A वीडियो में नहीं उठा सकता। एंड मैं आपको बोलूँ इस क्वेश्चन का जवाब वो भी जल्दी आने वाली है, मतलब इतनी जल्दी नहीं आने वाली लेकिन आने वाली है, उसका फेस रिवील करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अगर हो सके तो, नहीं तो रहने नहीं कराएंगे फेस रिवील। तो चलो गाइस आज के Q&A के लिए इतना ही, अगर आप 10K करा देते तो एक स्पेशल Q&A होगा, और स्पेशल Q&A कैसा होने वाला है मैं आपको ज़रूर से बता, उसके स्पेशल Q&A कैसा होने वाला है वो मैं 8K बताऊँगा, 8K पे याद रखना, ठीक है, 8K में क्यों कैसा होने वाला है। एंड अभी से अपने चैनल पे गिवअवेज आने वाले बहुत सारे, तो पार्टिसिपेट करना मत भूलना, और वो गिवअवे होने वाले गूगल रिचार्ज कोड के, मतलब प्ले स्टोर के कार्ड में आते हैं, उस जिससे आप इन गेम कुछ भी परचेस कर सकते हो। सबको अगर कुछ भी चाहिए प्राइमल पास वो सब चाहिए तो आप खरीद सकते हो, उतना मैं आपको दूंगा। एंड बहुत सारे गिवअवे आने वाले और वो भी स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है एंड इस वीडियो को होने चाहिए लाइक्स, 500 लाइक्स फटाफट से इस वीडियो में होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाए, एक नई गेम हम ट्राई करने वाले हैं और नई गेम कैसी होने वाली है आपको बताना चाहिए मेरे को। एंड अगर आपको पता है थोड़ा भी अंदाज़ा है कि मैं कौन सी नई गेम ट्राई कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई, और जिसने भी गेस कर ली ना सच्ची बता रहा हूँ उसको मैं दूंगा 100 रुपीज़ का गूगल रिचार्ज कोड, अगर उसने गेस कर ली तो, ठीक है, तो की बात चल रही है, अगर नहीं कर पाए तो ये कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कर दो वो कोई भी गेम का नाम डाल दो, अगर वो मैं खेलने वाला होऊंगा तो आप जीत जाओगे। तो चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, Q&A वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट Q&A वीडियो 10K पे आने वाला, सीधा 10K पे। एंड चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्कॉर्ड सर्वर की जाके जरूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी गिवअवे होने वाले हैं, वहाँ पे कम होंगे यूट्यूब पे ज़्यादा होंगे। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड गाइज बाय बाय। The lives are leading, yeah. Oh, no way. I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they